बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं PC1 न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर प्रोग्राम एक मुलाकात के साथ। जी नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात एक स्पेशल शख्सियत से कराएंगे जो कि इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद हैं, बल्कि अपने शहर फैसलाबाद में मौजूद हैं। तो उनका नाम है मियाँ रिजवान अल हक साहब। उनका तलक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सऊदी अरब जद्दा से है, जद्दा में वो पार्टी के सदर हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी मियाँ साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह ताला का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मियाँ साहब, जैसा कि मैंने नाज़रीन को बताया कि आप सऊदी अरब के शहर जद्दा में जो है मुस्लिम लीग नून जो है उसके सदर हैं, तो क्या एक्टिविटीज़ रहती हैं आपकी वहाँ पे? सर अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग दियारे गैर में बैठे हैं अपने पाकिस्तान की खिदमत के लिए। देखें, हम सब के जो नज़रिए हैं वो अपने अपने हैं, लेकिन हमारी मंजिल एक है पाकिस्तान, और हम दिन रात जो है पाकिस्तान के लिए अच्छी एक्टिविटी है हमारी। मैं देखें वहाँ पे सिटी जद्दा का सदर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, तो हम ज़्यादा वेलफेयर जो है ना, वेलफेयर के काम बड़े दिल से करते हैं। सफारे में कोई प्रॉब्लम हो, किसी की आवाज़ वहाँ तक सुनाई नहीं देती, तो वो हमें एक फ़ोन का एक कॉल पे हम लोग उनका काम करवाते हैं। पाकिस्तान स्कूल्स के कुछ लोग शमेसी जेल में होते हैं, उनको हम वहाँ पे हर तरह की सहूलत मौजूद करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ बड़ी मेहनत दिन रात कर रहा हूँ। मेरे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का जो नारा है ना, वोट को इज्जत दो, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसको उस नारे को लेके चला हूँ। हम हर वक्त यही कहते हैं कि वोट को इज्जत दो। जी कितना अर्सा हो गया आपको खिदमत करते हुए मुस्लिम लीग के प्लेटफार्म से पाकिस्तान के लोगों की? जी मुझे तकरीबन अभी 5 साल हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में। पहले भी हम मुस्लिम लीग में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल से जो है ना, मैं एक्टिविटी ना आपको नज़र आता हूँ हर वक्त। तो हम अभी पाकिस्तान में भी जो मैं अभी आया हूँ, 2 दिन पहले अभी हमजा शहबाज साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो मियाँ हमजा शहबाज साहब ने भी मेरी दावत कबूल की है सऊदी अरब आने की, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिशों को सराहा है, और उन्होंने कहा है कि दियारे गैर में आप बैठ के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह हम सुरखरू होंगे, और हमें अपने कायद की आवाज़ बढ़ना है, और हम अपने पाकिस्तान के लिए काम करने हैं हमने। अच्छा, जैसा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो वोटिंग की तादाद है वो भी लाखों में चली गई है, इस तरह सऊदी अरब में भी बहुत सारे वोट्स होंगे, तो उस हवाले से आने वाला इलेक्शन भी है, तो आप क्या एक्टिविटीज़ करेंगे और क्या आपके इकदाम होंगे मुस्लिम लीग की गवर्नमेंट बनाने के लिए पाकिस्तान में? सर पहले नंबर पर तो हम लोगों ने जो मुतालबा था ना, वो ये नहीं था कि ओवरसीज़ को बस हक दिया जाए। हम लोगों ने तो मुतालबा ये किया था कि ओवरसीज़ से नुमाइंदे दिए जाएं, क्योंकि हम लोग अगर नुमाइंदे हमें मिलेंगे, जैसे MP और MNs की सीटें हैं कुछ, वो हमें मिले, क्योंकि वहाँ पे बैठ के हम काम करें। लेकिन फिर भी चलें, जो हुकूमत ने इकदाम उठाया है बहुत अच्छा उठाया है, तो हम इंशाल्लाह ताला PMLN के लिए वोटिंग भी करेंगे, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को सपोर्ट भी करेंगे। जी बिल्कुल, ये थे नाज़रीन मेरे साथ जद्दा में सदर हैं मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के मियाँ रिजवान अल हक साहब। वो मुझसे बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून की सुपरविज़न में वो किस तरह जद्दा में लोगों की खिदमत करते हैं, उनके काम जो हैं वो सराहते हैं, और आने वाले इलेक्शन के लिए जैसे कि ओवरसीज़ वोटरों की बड़ी अहमियत होगी, तो वो कैसे इकदाम कर रहे हैं, और वो बड़े पुरीद हैं कि वो अगले इलेक्शन में जो मुस्लिम लीग नून ज़रूर पाकिस्तान में हुकूमत बनाएगी। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।